तो जैसे कि आप जानते हैं, मैं आप लोगों के साथ शरारतें करती आई हूँ हमेशा से। तो कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो मैं आपके सामने दोबारा से करती हूँ, कुछ नई चीज़ें भी हैं। तो आपको पता है मेरी छोटी बहन अस्मा अब्बास, शी इज़ अ वेरी टैलेंटेड एक्टर, और पिछले कुछ सालों से जब से काम कर रही हैं, माशाल्लाह इन्होंने बड़ी जगह बनाई अपने लिए। और हम सब सिमिलर ही हैं, हम सब कुछ एक जैसा ही करते हैं, सिर्फ ये कि मेरा ज़रा सफ़र बहुत तवील है, इनका थोड़ा सा बाद में शुरू हुआ, क्योंकि ये एक फ़ौजी की बीवी हैं, मतलब रिटायर्ड की। जब फ़ौजियों से शादियां हो जाती हैं तो फिर वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन होती है कि बीवियाँ काम नहीं कर सकती, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जब वो रिटायर हुए तो इन्हें छलांग मारी और फिर ये टीवी पे आ गई। बल्कि इनके माशाल्लाह 3-4 बच्चे हैं, तो ये जब उनको बच्चे बड़े हुए थोड़े से, तो बेचारी चुप बैठी होती थी। तो कर्नल साहब ने कहा कि क्या मसला है तुम्हें, क्या प्रॉब्लम है तुम? उसने कहा मैं कुछ करना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा, मतलब उन्होंने तो यही कहना था कि कोई फर्नीचर की दुकान खोल लो, या कोई मतलब है किसी बैंक में नौकरी कर लो। ये नहीं पता था कि जो कुछ हमारे अंदर है। खैर, वो समझते समझते अब उनको समझ आ ही गई है कि ये कोई केस नॉर्मल नहीं है, तो अब वो आराम से काम करने देते। बल्कि कभी कभी शुरू में वो कहते थे, सुबह दी तुसी गए सी तो तुसी क्या सी, मैं 6 बजे आ जाऊँगी तो तंत्र रात 10 बज गए ने, क्योंकि शूटिंग में ऐसा ही होता है। मैंने इसको कहा उनको 2-4 दफ़ा अपने साथ शूटिंग पर ले जाओ तो उनको लग पता जाए। 1-2 दफ़ा गए, जाके देखा एक एक सीन 9-9 दफ़ा हो रहा है। फिर 1 दफ़ा देखा कि गर्मी में धूप में पसीनों में मर रहे हैं, उठ के कहते कि पापा थोड़ा ही काम है, साढ़े को नहीं होंगे। तो अब समझ आई कि ये काम कुछ अलग है। खैर, तो इस वक्त मैं एक किरदार अदा कर रही हूँ जो अस्मा मेरे साथ हेल्प कर रही हैं और मुझे आपसे मुतारिफ़ करवा रही हैं, और जिसका काका अभी अभी हुआ है ना, उसको अज़ान दें और बाहर ले जाएँ प्लीज़। मैं ये रिक्वेस्ट इसलिए करती हूँ कि बेबी का कोई कसूर नहीं होता, बेबी होता है बोर। तो अम्मियाँ जो हैं वो फिर रोते हुए बेबी को लेके जब ये यहाँ बैठती हैं तो फिर हमारा काफ़ी काम डिस्टर्ब होता है। अच्छा जी, बताइए जी। जनाब अस्सलाम वालेकुम, और आज आपकी मुलाकात करा रही हूँ पाकिस्तान की एक बहुत मशहूर सियासतदानी से। तशरीफ़ लाती हैं सियासतदानी मैडम शौकिया अकबरुद्दीन शहाब। आपने मुझे मैडम कहा तो ये तो तय हो गया कि मैं खूबसूरत भी हूँ और सुरीली भी, लेकिन ये जो आपने मुझे सियासतदानी कहा, ये तो कुछ कुछ नमकदानी से मिलता है, क्या मतलब है, इसकी वजह जान सकती हूँ? आई एम सॉरी, वो मेरी जबान फिसल गई थी, लेकिन मैडम। हाय अल्लाह, मैडम, मैडम को गुजरे तो कई साल हो गए, लेकिन मैं अभी गुजरना नहीं चाहती, कहिए अल्लाह ना करे। अच्छा अच्छा अल्लाह ना करे। मुझे ये बताइए, वैसे ये आपका जो नाम है कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा टॉल है ना। वो मेरी मम्मी ने समझाया था कि शौहर जितने भी हो गुजरे उन्हें ज़िंदगी से निकालना, मगर नाम लगाए रखना, दिया जलाए रखना। ये तो बड़ी अनोखी बात की उन्होंने, मतलब सारे शौहर। नहीं 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 नहीं, सारे शौहर के सिर्फ नाम, शौहर तो वन एट अ टाइम ना। अभी इसमें करण शौहर का नाम नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज़िद तो कर रहे हैं कि मैं लिस्ट में उनका नाम शामिल कर दूं, मगर मगर मेरी अभी उनसे कुछ डील चल रही है। डील चल रही है? डील कैसी? अरे सियासतदान अगर डील ना करे तो वो सियासतदान नहीं होता, पानदान होता है, जिसे सब चूना लगाते हैं। अच्छा, तो क्या डील चल रही है आपकी? मेरा एक काम कर दो ना, वो घर मेरे नाम कर दो ना। मतलब क्या मतलब इस बात का? इस्लामाबाद का एक आलीशान घर और एक प्लाजा, बस जब वो मेरे नाम हो जाएगा ना, तब तेरा नाम भी आएगा मेरे नाम के साथ। वाह भी वाह, हर बात आप तरन्नुम से करते हैं, क्या आपको शुरू से गाने का शौक था? दरअसल अभी कुछ अरसे पहले मैंने ये महसूस किया कि डिमांड अगर तरन्नुम से की जाए तो ज़रा ज़्यादा असर रखती है। जैसे मैं अगर कहूँ कि मुझे घबराहट हो रही है, मेरा दिल घबरा रहा है, परेशान है, तो इसमें कौन सी नई बात है? लेकिन यही बात अगर मैं यूँ कहूँ, दिल धड़के मैं तुमसे ये कैसे कहूँ, कहती है मेरी नजरे। एक्सक्यूज़ मी शौकिया जी, थोड़ी ग्रेस दिखाइए, आप सियासतदान हैं और मुल्क कौम आपको देख रही है। हमारी कौम ही तो देखती है हमारी तरफ, तभी तो ये हाल है उनका, अल्लाह चला रहे हैं ये मुल्क।
अच्छा ये बताएं कि आपके जो अभी शौकर हैं उनको आपके साथ अपना नाम लगाने का क्या फ़ायदा? अरे भाई, सियासतदानों के स्पाउस को सियासतदानों से कहीं ज़्यादा फ़ायदा होता है उनका नाम अपने साथ लगाने में। भाई कोई भी ममनुआ मशरूब शहद में तब्दील किया जा सकता है या किसी को घूर के कोई भी काम करवाया जा सकता है। अच्छा वैसे मैं ये देख रही हूँ कि आपके साथ हर वक्त एक पर्स होता है, ये इतना बड़ा सा, इसमें क्या रखती हैं आप? दरअसल इसमें मेरे रनिंग शूज़ हैं, गुची का चश्मा है, एक ब्रांडेड मास्क है, कुछ मेकअप और थोड़ी फॉरेन करेंसी वगैरह 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 क्या होता है? कभी अयान अली से पूछा था वगैरह वगैरह का मतलब? खैर इसमें कुछ लॉन्ड्री है वो लेकर आई हूँ। मतलब मैले कपड़े आप पाकिस्तान से यहाँ धुलवाने लाए हैं? ओफो, समझा करें ना, पाकिस्तान के मैले नोट धुलवाने यहीं तो लाने पड़ते हैं। अच्छा और ये रनिंग शूज? भाई रनिंग शूज का तो ये है कि कभी भी आधी रात को जब फ्लाई इदारे अटैक करते हैं तब भी जॉगर्स ही काम आते हैं। अब मुझसे हील्स पहनकर तो मुल्क छोड़ के भागा नहीं जाता। अच्छा मैं देख रही हूँ आपके हाथ पे बड़ी महंगी महंगी अंगूठियाँ हैं, ये वाली अंगूठी के बारे में? ये वाली ना, ये मियाँ साहब ने बाहर जाते हुए दी थी मुझे। देखिए शौकिया जी, बुरी बात है, यहाँ पर हम गीबत की इजाज़त नहीं। अरे गीबत और हकीकत में कुछ नुक्तों का ही तो फ़र्क है, मगर पता नहीं आपके दिमाग में फजूल बात आई, मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया। ये तो मेरे पहले वाले मियाँ ने घर से बाहर जाती हुई दी थी, उसके बाद मुझसे काफ़ी बड़े थे, फिर मैंने उनको घर में घुसने ही नहीं दिया और वो रिश्ता ख़त्म हो गया। आजकल वो यूके में होते हैं। अच्छा अच्छा, और वो जो दूसरी वाली अंगूठी है वो? हाँ ये वाली तो और भी महंगी है। ये छोटे मियाँ साहब ने दी थी। और कहा था पाजी नू ना दसी। फिर वही बात कर रही हैं आप, किसी की शोहरत को नुकसान पहुंचाना बुरी बात है। शर्त यह है कि शोहरत अच्छी हो। मुझे हैरानगी यह है कि आपका बार बार दिमाग उधर क्यों जा रहा है? भाई मेरे छोटे वाले मियाँ साहब जब घर में दाखिल हुए तो अंगूठी लेकर आए थे, और वो मेरे बड़े वाले मियाँ साहब के फर्स्ट कज़न हैं। याद रखें, दोनों भाइयों के बाल घने और घुंघरियाले हैं। बात को घुमाना हम सियासतदानों पर ही छोड़ दें आप। अच्छा ये बताएं कि आप सियासत में कैसे आई? अपनी बड़ी वाली काली पराडो में बैठकर, रेबैन का चश्मा पहना, हाथ में लुई वटोन का बैग, अपने हलके में गई थी मैं। मुझ जैसी हसीन औरत जब इन तमाम शशकों के बाद वोट का तकाजा करे तो किसी की जरूरत है जो उसे वोट ना दे। अच्छा सियासत में आने का ख्याल क्यों और कैसे आया? ख्याल नहीं, मौका आ गया तो मैं घुस गई। मेरे चचा अपने हलके से इलेक्शन लड़ रहे थे, मुंह उठाकर चलते हुए ठोकर खाई और बस इंतकाल कर गए। तो जब वो लेट गए तो मैं खड़ी हो गई, उनकी जगह मुझे खड़े होना ही था, तो खाना खुल गया था, बिरयानी की खुशबू आ रही थी, तो वोट तो मुझे को पढ़ने थे ना। अच्छा अच्छा, इसका मतलब है कि आप मजबूरन सियासतदान बन गई। मजबूरी का नाम शुक्रिया। लेकिन फिर वो एक यू टर्न आया मेरी ज़िंदगी में। एक्सक्यूज़ मी, ये क्या कर रही हैं आप? प्लीज़ लोग बैठे हैं, मुझे ख्याल करें। क्या हुआ, इतने बड़े बड़े जुर्म करते हुए लोग आंखें बंद कर लेते हैं, मैंने तो छोटी सी शरारत ही की है। अच्छा चले ये बताएं कि वो यू टर्न क्या था भी? लो भाई चचा जान तो उठकर बैठ गए, अब तो जानती ही है ना सियासतदान कभी मरते नहीं हैं, सियासत का चस्का उन्हें मरने ही नहीं देता, और अगर कभी कोई मर भी जाए तो पार्टी वाले उनको ज़िंदा रखते हैं। देखा नहीं भुट्टो अब तक जिंदा है। अच्छा आगे बताएं क्या हुआ? भाई हुआ ये कि जब चचा जान को पता चला कि मैंने उनकी सीट जीत ली है तो बस उसी वक्त उनकी रूह कसर नफ्से से परवास कर गई। ओहो, अच्छा अगर आप बुरा ना मनाए तो एक बात पूछ सकती हूँ आपसे? मैं, आपने पढ़ा कहाँ तक? भाई अल्लाह मुझे तब बुरा लगता है ये सवाल, पता नहीं क्यों पूछते, चिढ़ है मुझे इससे। प्लीज़ बताएं ना कहाँ तक पढ़ा है आपने? बस समझ लें वहाँ तक पढ़ा जहाँ तक लिखा इंडस हॉस्पिटल एंड हेल्थ नेटवर्क। अच्छा ये कुर्सी ठीक है, ये चुभ तो नहीं रही आपको? हाँ ये गैर सियासी कुर्सियाँ चुभती बहुत हैं मुझे,
तमीज से बैठना पड़ता है, होती ना मेरी सियासी कुर्सी तो चौकड़ी मार के बैठती मैं अच्छी तरह। खैर मेरी फिक्र करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, कहीं मुझे बुजुर्ग तो नहीं समझ रही हैं आप। सुल्तान गोल्डन की छोटी बहन हूँ, अभी तक दांतों से बाल्टी और बालों से गाड़ी खींच लेती हूँ। अच्छा एक सवाल और, अगर आप माइंड ना करें तो। माइंड वो क्या होता है? माइंड तो वो होता है जब सेल्फ, जब वो अपडेट होता है ना सॉफ्टवेयर, तो फिर माइंड सेट होता अच्छा, है। चलिए मुझे ये बताइए कि आपकी उम्र क्या है? अरे भाई उम्र की तो मैं बोर हो गई इस सवाल से, उम्र का क्या पूछना। मैंने तो अब ये सोच लिया है कि भाई आप तोल लें, जो भारी वही बड़ा। अच्छा ये बताएं, ये औरतों के हकूक का जो बिल पास हुआ है असेंबली में, इसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? कहना क्या है भाई, मेरा तो ये ईमान है कि अल्लाह ताला ने मर्दों को अफजल बनाया है, नदीम बनाया है, जावेद बनाया है और सफदर बनाया है मेरे मियाँ, इसीलिए ना, ताकि वो लोग औरतों पर खर्च करें और उनके बिल अदा करें। कसम ले लो मैंने आज तक अपना कोई बिल कभी अदा नहीं किया। हर मुसलमान औरत पे वाजिब है कि वो अल्लाह के अहकाम की नफी ना करे। और ये जो बिजली और पेट्रोल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, इस पर आपने कोई आवाज़ नहीं उठाई असेंबली में? जी बिल्कुल उठाई है, मैंने ऐसी आवाज़ उठाई जो आज तक किसी सियासतदानी ने नहीं उठाई होगी। अच्छा वो कैसे? अच्छा ये बताएं, इलेक्शन की तैयारी तो है ना, कब तक होंगे? कुछ तो बताएं, किसकी बारी है, क्या प्लान है? पता तो है तुम्हें, सब पूछ रही हो फिर भी। ये दुनिया रहे ना रहे मेरे हमदम, हमारी सियासत तो जिंदा रहेगी। अच्छा चले अपनी कौम को कोई अच्छी खबर ही दे दीजिए, कौम बड़ी परेशान है। कौन सी कौम? ये जो दूध में पानी की जगह शैम्पू मिला रही है, जो गधे के गोश्त के कबाब खिला रही है, दवाओं में रेत मिला रही है, यही तो वो कौम है जिसे हम जैसे सियासतदानों की ज़रूरत है। यही तो है वो अपनापन। और कुछ सुनना है? हम ही बनेंगे इनके अगले भी लीडर और हुक्मरान, जो चाहे सो कर लें, होगा तो वही जो हम चाहेंगे। थैंक यू।